राजू, 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 जहां अपने आप सर झुक जाते हैं उस पत्थर को भी भगवान का रूप मान लिया जाता है। जिस जगह को देखकर परमात्मा की याद आए वो तीर्थ कहलाता है, और जिस आदमी के दर्शन से परमात्मा में भक्ति जागे वो महात्मा कहलाता है। तो अगर तेरे कारण ये पुराना मंदिर तीर्थ स्थान बन गया है और हजारों हजारों आंखें ऊपर उठ रही है प्रकाश की ओर, तो फिर तुझे चिंता क्यों? सर झुका ले और शांत होकर बैठ जा। समझ ले कि करने वाला कोई और है, तो सिर्फ एक बहाना है। काम उसका, नाम तेरा। उसका नाम ले और जो सौंपा गया है उस काम को करता रहे मेरी तरह, एक पत्थर की तरह। माँ, सेवा तो मुझे करनी चाहिए तुम्हारी। जाओ सो जाओ। ये मैडम अमेरिका से आपसे मिलने के लिए आई हैं। वहाँ के किसी बड़े टेलीविजन कंपनी ने इन्हें भेजा है। ये आपसे कुछ सवाल पूछना चाहती हैं। इजाजत है? Go ahead. स्वामी, do you believe in fasting? स्वामी जी, क्या आप उपवास पर विश्वास करते हैं? 40 करोड़ आदमी अगर एक दिन का उपवास रखें तो 40 करोड़ भूखे पेट एक दिन की खुराक खा सकते हैं। What do you say? स्वामी जी, क्या आपको विश्वास है कि बारिश होगी? इन लोगों को मुझ पर विश्वास है और अब मुझे इनके विश्वास पर विश्वास होने लगा है। In the modern scientific world, I think all sciences will end in religion. Oh, you speak English? I didn't know. How very interesting. Swami, you don't mind. I'd like to ask you a rather personal question. Have you ever been in love? Swami ji, madam pooch rahi hai, kya aapne kabhi pyar kiya tha?